उत्तर प्रदेश में कुर्सी बंद कर दीजिए आप, जाइए कांग्रेस का राज जहां जहां है, आप बीजेपी के एजेंट हो, अत्याचार हो, जाइए आप राजस्थान में, वहां करिए टूरिज्म, अरे वहां करिए टूरिज्म, अरे अरे यार ऐसा है, अरे हमें आपसे सलाह नहीं चाहिए, छोड़िए, भेजिए पंजाब के सीएम को, सलाह नहीं चाहिए, भेजिए छत्तीसगढ़ के सीएम को आप, अरे हमने, अरे सुनो, हमने दलित को मुख्यमंत्री बनाया पंजाब में, तुम्हारे पास तो जवाब भी नहीं है, जब 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 आपको जब आपकी जमीन खिसक गई पंजाब में, तो बीजेपी के, आपको दलित याद आए, तो बीजेपी के, जब आपकी दलितों की, जब आपके वहाँ गठबंधन हो गया दलितों का प्रकाश सिंह बादल का, तब आपको दलित याद आए, वहाँ पर आपने 4.5 साल पहले चंदी को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया आप बताइए, प्रियंका, अरे प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के दलालों के लिए काल बन गई है, इसलिए आपके पेट में दर्द हो रहा है। आपको टूरिज्म जिसको आप कहते हैं, ये टूरिज्म आपको खा जाएगा। इस देश का किसान बीजेपी और बीजेपी के जो दलाल, जो भाषा आप जैसे लोगों की बोलते हैं, उनको इस चुनाव में बख्शेगा नहीं। ध्यान रखना, आ रहा है समय, मैं आपको दिखा दूंगा। मैं एक बात बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं, कुकर्मों को हम जनता ने देखा है और 60 साल के कुकर्मों की सजा आपको दी है, छोड़िए, इसीलिए ये कांग्रेस का सफाया हो गया देश से। देखिए मैं आप दोनों की टूटू में मैं नहीं जाना चाहती, आप लोगों के साथ दिक्कत ही यही है कि मेरी कमीज उसकी कमीज से सफेद है, मुझे बस इसी में संतुष्टि है। सुभाषदा ऐसे ही चलेगा और ऐसे ही फिर हम सियासत में आगे बढ़ेंगे और वोट की खेती करते रहेंगे और किसी तरह कोशिश करेंगे कि हमारी कुछ एक सीटें बढ़ जाए, चाहे बीएसपी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो। अनफॉर्चुनेटली प्रीति जी, जो माहौल है अभी चुनाव को लेकर के, वो अभी ये तीखी बहसें चलती रहेंगी। अभी दिक्कत ये है कि चूंकि मायावती जी ने जो ट्वीट किया उसमें ऐसा, उसमें उन्होंने एंटी कांग्रेस स्टैंड लिया, प्रो कांग्रेस स्टैंड नहीं लिया, तो अभी जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं उनके तेवर उनके लिए वैसे ही रहेंगे। अगर यही मायावती जी, अगर इन्होंने जम्मू कश्मीर का मसला उठा लिया होता, जहां पे कश्मीर में जिस दिन उस दलित युवक की हत्या हुई और हम सब जानते हैं वो बिहार से था और बिहार पहुंच भी नहीं सका उसका पार्थिव शरीर, उसको लेकर के अगर मायावती सारी पॉलिटिकल पार्टीज को घेर लेंगी तो आज यही बीएसपी के नेता कांग्रेस के चहेते हो जाएंगे। तो अनफॉर्चुनेटली तो यही तो सिलेक्टिव चुप्पी है जिस पर हम बात करना चाह रहे हैं शुभ्रास्ता जी, यही तो सिलेक्टिव अप्रोच है जो लगातार पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने हिसाब से चुन रही है कि उन्हें राजस्थान जाना चाहिए, राजस्थान पर बात करना चाहिए, उन्हें लखीमपुर की बात करनी चाहिए और किसे जम्मू कश्मीर की बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि चुनाव नहीं है वहां पर। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात कह रही है प्रीति जी, और इसी बात से मैं एक चीज जोड़ना चाहती हूँ कि अब मुझे लगता है जो पॉलिटिकल तीखी बहसबाजी है प्रीति जी, उससे आगे देश के युवाओं को कम से कम उससे आगे बढ़ने की जरूरत है, क्योंकि हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं होना चाहिए कि आज एक्स नंबर ऑफ दलितों की हत्या राजस्थान में हुई और कल वाई नंबर ऑफ दलितों की हत्या जम्मू कश्मीर में हुई। हमारे लिए इशू ये होना चाहिए कि दलितों को लेकर के क्या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने एक अफर्मेटिव स्टैंड लेते हुए रिजर्वेशन के बियॉन्ड कुछ सोचा है कि नहीं। बात तो तब आगे बढ़े ना प्रीति जी, जब नई राजनीति नई तरीके से व्याख्यायित हो, वरना यही पुरानी छीछा लेदर करनी है तो फिर क्या बचा है, चाहे वो प्राइम टाइम हो या पार्लियामेंट हो, एक ही चीज हम देख रहे हैं जी। तो मुझे लगता है कि ये एक हम अपने लोकतंत्र में एक बहुत रोचक जंक्चर पे हैं, जहां पर एक्चुअली देश का नेतृत्व युवाओं के हाथ में है, उसकी बागडोर युवाओं के हाथ में है, लेकिन अगर हम अपनी पॉलिटिकल विरासत पॉलिटिकल पार्टीज को ही सौंपते हुए चले जाएंगे और उन्हीं के हिसाब से अपना नैरेटिव चुनेंगे तो ये तो दिक्कत है प्रीति जी। जी भाटी जी, कानपुर से शुरू होकर बुंदेलखंड तक तो रथ यात्रा चल रही है अखिलेश यादव की, जिसकी लगातार तस्वीरें भी आ रही है, वो कह रहे हैं बड़ा ताल ठोक के कि गंगा से लेकर यमुना तक समाजवादी विजय रथ आगे बढ़ेगा। जरा बताइए कि इसी तरह आगे बढ़ाने की तैयारी आप कर रहे हैं, क्योंकि लगातार ऐसा कहा जा रहा है कि आपके लिए तो अब कांग्रेस पार्टी सिरदर्द है और इसलिए इस तरह से मुखर होकर समाजवादी पार्टी को आगे आना पड़ रहा है और वो बड़ा गदगद हो रहे हैं अखिलेश यादव इस विजय रथ को लेकर। अखिलेश यादव जी का विजय रथ पूरे उत्तर प्रदेश में चलेगा, 403 विधानसभा सीटों पर चलेगा, 75 के 75 जिलों में चलेगा। अखिलेश यादव जी इस पूरे उत्तर प्रदेश में 2011 में साइकिल से भी यात्रा कर चुके हैं। कितनी सीटें आने वाली है जनाधार वाल जी, सीटें कितने आने वाली है मैं समझ नहीं पाया प्रीति जी, इस बार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सीटें कितनी लाने वाली है समाजवादी पार्टी? देखिए ये तो हवाई बात कोई भी कर सकता है, मैं बहुत जिम्मेदार के साथ बोलता हूँ जब भी बोलता हूँ, ये भविष्य के गर्भ में है। हम तो 403 की 403 जीतने के लिए लड़ेंगे,
अब जनता क्या फैसला देती है तो जनता के हाथ में। पहले भविष्य भविष्यवाणी करना तो तुक्काबाजी होती है, कोई भी कह सकता है मैं इतनी सीट लेकर आऊंगा इतनी सीट लेकर आऊंगा, लेकिन उत्तर प्रदेश का जो माहौल दिखाई दे रहा है एंटी इनकम्बेंसी बहुत जोरदार है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ। इस सरकार से लोग निराश हैं, सरकार किसी भी मोर्चे पे सफल नहीं रही है। अच्छा, इसीलिए भाटी जी आप लोग लखीमपुर जाने के लिए बेताब नजर आते हैं और राजस्थान की सुध भी नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि बहुत ही जबरदस्त ऐसा आरोप है बीजेपी का। हम राजस्थान की पार्टी नहीं है, हम उत्तर प्रदेश की पार्टी है, उत्तर प्रदेश की राजनीति करते हैं, उत्तर प्रदेश का जिम्मेदार पार्टी पर है। किसी भी देश की जनता पर कहीं भी अत्याचार होता है तो वहां की बात करेगी ना समाजवादी पार्टी की, नहीं करेगी? इसमें भी सिलेक्टिव अप्रोच होगी, करेंगे। जो राजस्थान में अत्याचार हुआ उसके भी दोषियों को सजा मिलनी चाहिए, जो उत्तर प्रदेश में हो उसके भी दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। लेकिन जो जिस बिंदु से आपने डिबेट की शुरुआत की, माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, क्या प्रधानमंत्री जी ये जवाब देंगे कि जेएनयू के अंदर घुस के छात्रों की पिटाई की गई, अध्यापकों की पिटाई की, क्योंकि आज तक एक भी अरेस्टिंग हुई है? गृह मंत्री जवाब देंगे इस बात का? वो मानवाधिकार का हनन नहीं था क्या? ये जो जगह, ये विपक्ष पे निशाना साधते हैं, विपक्ष खिलाफ एनएसए लगाते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने योगी आदित्यनाथ की सरकार द्वारा लगाए गए 120 में से 108 एनएसए गलत माने, कि उनमें जरूरत नहीं थी लगाने की, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की जरूरत नहीं थी, केवल भाषणों और भाषणों में एक शब्द भी देशद्रोह का नहीं था। तो ये सरकार दमन पे उतारू है, जो किसानों को आतंकवादी बताती है, पाकिस्तानी बताती जी है, कह रहे हैं कि आप लोग मानवाधिकार की बात करते हैं, आप लोग तो खुद ही मानवाधिकार के आनंद के लगातार किस्से करते हैं, आप लोग तो चुन चुनकर उन्हीं लोगों को टारगेट करते हैं जो आपके खिलाफ हैं, चाहे वो दिल्ली की घटना ले लें या फिर हम राजस्थान की। लेकिन इन दोनों घटनाओं का जिक्र करने के साथ साथ सवाल फिर ये भी है कि ऐसा नहीं है कि फिर आप राजस्थान का जिक्र करेंगे तो लखीमपुर में जो बर्बरता हुई है उससे पल्ला झाड़ लेंगे? देखिए, ऐसा है कि सरयू नदी को लाने वालों से आप अपेक्षा कर सकते हैं। 370 35 ए जब हटा है, क्यों हटा है,